प्रश्न पहला, दासों को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए? ए चोरी, बी सेवा करना, सी आज्ञाकारिता, डी उदारता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चोरी। प्रश्न दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह किसके लिए प्रकट हुआ है? ए केवल चुने हुए लोगों के लिए, बी केवल यहूदियों के लिए, सी केवल धर्मियों के लिए, डी सब मनुष्य के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सब मनुष्यों के लिए। प्रश्न तीसरा, अनुग्रह हमें किससे दूर रहने की शिक्षा देता है? ए अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा, बी धन और शोहरत, सी प्रेम और करुणा, डी मित्रता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा। प्रश्न चार, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? ए अधर्मी और क्रोधित, बी संयम धर्मी और भक्तिपूर्ण, सी विद्रोही और अज्ञानी, डी आलसी और अभिलाषी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संयम धर्मी और भक्तिपूर्ण। प्रश्न पांच, किसकी प्रतीक्षा हमें करनी चाहिए? ए मसीह की दूसरी आगमन, बी न्याय का दिन, सी नए नियमों का, डी शांति का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मसीह की दूसरी आगमन। प्रश्न छह, मसीह ने अपने आप को किस लिए दे दिया? ए हमें शुद्ध करने के लिए, बी हमें सिखाने के लिए, सी हमें दंड देने के लिए, डी हमें दुनिया से हटाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए हमें शुद्ध करने के लिए। प्रश्न सात, मसीह का उद्देश्य कौन से लोग बनाना था? ए अधर्मी और विद्रोही, बी अपने भले कामों के लिए उत्सुक, सी धनी और प्रभावशाली, डी निर्दयी और आलसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भले कामों के लिए उत्सुक। प्रश्न आठ, तीतुस को यह सब सिखाते समय किस प्रकार बोलना चाहिए? ए अधिकार और गंभीरता से, बी कठोरता और क्रोध से, सी उदासीनता से, डी विद्रोह से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अधिकार और गंभीरता से। प्रश्न नौ, तीतुस को किससे डरना नहीं चाहिए? ए लोगों की आलोचना से, बी क्रोध से, सी झूठे मित्रों से, डी धन की कमी से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लोगों की आलोचना से। प्रश्न 10, तीतुस के अनुसार किसकी प्रतीक्षा करते हुए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए? ए अनुग्रह के प्रकट होने, बी सांसारिक सुखों के, सी विद्रोह के अवसर के, डी स्वर्ग की प्राप्ति के। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अनुग्रह के प्रकट होने।